Let's call it in the crossfire. Hey, what is up guys? Welcome back to the channel India Sonic. आज मैं एक नई वीडियो लाया हूँ महिंद्रा की XUV500 पर। गाड़ी की लुक्स की बात करें तो बहुत ही बढ़िया दिखती है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। पर्सनली मुझे फर्स्ट और सेकेंड वर्जन वाला लुक ज़्यादा पसंद था, जो कि चीता से इंस्पायर्ड था, जिसमें हेडलाइट के नीचे ग्रिल्स मिल जाते थे फॉग लैंप्स के बदले। बहुत ही एग्रेसिव लुक था गाड़ी का, और ये न्यू वाली XUV थोड़ी टोन डाउन हो गई है लुक्स के मामले में, पर फिर भी बहुत अच्छी दिखती है। अब ये गाड़ी एकदम फोकस्ड ऑफ रोडर तो नहीं, पर अलग अलग टेरेन से आपको निकालने की क्षमता ज़रूर रखती है। इसकी शैसी भी मोनोकॉक है, जो कि ट्रेडिशनल SUVs से अलग है जिनमें बॉडी ऑन फ्रेम शैसी मिलती है। इंजन भी इसमें पावरफुल मिल जाता है, जिसमें 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जो कि हेक्सा से थोड़ा ही कम है। बढ़िया इंजन इतनी भारी भरकम गाड़ी को अलग अलग ऑफ रोडिंग की चीज़ें करने में मदद करती है, जो कि आज हम देखने वाले हैं। पहली क्लिप में आप देख सकते हैं ये डायगोनल रट्स जैसा ऑब्स्टिकल है, और इसे पार करते वक्त गाड़ी का पिछला लेफ्ट और आगे वाला लेफ्ट साइड दोनों हवा में उड़ जाता है अलग टाइम पे, पर फिर भी इतनी आसानी से पार कर जाती है गाड़ी। इस क्लिप में हुआ ये है कि जो फॉर्च्यूनर है वो ऑफ रोड करते वक्त बहुत ही बुरे गड्ढे में फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। तब उसे XUV से बांध दिया जाता है, पर इतनी बुरी फंसने की वजह से XUV को भी एक दो ट्राइज लगते हैं उस खींचने में, पर आखिर में वो अपनी पावर से निकाल ही लेती है फॉर्च्यूनर को। अब सॉफ्ट रोडिंग के लिए ये गाड़ी इतनी कैपेबल है कि महिंद्रा खुद XUV500 को यूज़ करती है रैली में रेसिंग करने के लिए, और कॉम्पिटिशन्स भी जीत चुकी है। यहाँ देख सकते हैं आप, रोड कच्चा होने के बावजूद गाड़ी उड़ती जाती है बिना किसी परेशानी के। जंप करने के बाद भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता और स्पीड में निकल जाती है। नेक्स्ट क्लिप में आप रैली कार की साउंड भी सुन सकते हैं, कितनी बढ़िया आवाज़ है इसमें। अब ये इंक्लाइन गाड़ी से 3 गुना ज़्यादा लंबा है, फिर भी आसानी से चढ़ जाती है। आखिर में थोड़ी तकलीफ होती है, पर ऑल व्हील ड्राइव होने की वजह से ट्रिकी सिचुएशन संभाल लेती है गाड़ी। अब यहाँ पर जो ये ट्रक है वो फुली लोडेड है मिट्टी से, आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से वजन बढ़ जाता है और ट्रक गड्ढे में फंस जाती है। तब उसे XUV500 अपनी पावर से खींच कर रेस्क्यू कर लेती है। गाड़ी की वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी भी बढ़िया है, पानी काफ़ी गहरा है मिडल में और कीचड़ भी है निकलते समय, पर फिर भी XUV एक दो ट्राई में बाहर निकल ही जाती है। अब स्नो में भी आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से चल रही है। स्नो भी थोड़ी बहुत डीप है और ऊपर से स्नोफॉल भी चालू है, जिससे ट्रैक्शन कम हो जाता है, पर बिना किसी परेशानी के गाड़ी चलती ही जाती है। अब XUV की एडवर्टाइजमेंट्स भी ऑफ रोड फोकस्ड होती है। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया जा रहा है कि गाड़ी कैसे बड़े बड़े जंप्स करती है सैंड में, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। अब गाड़ी की वाटर क्रॉसिंग देख लेते हैं, पर इस बार अंदर से बैठे हुए। आप देख सकते हैं रास्ते पर फ्लड्स की वजह से पानी भर गया है, और XUV के अलावा और कोई गाड़ी नहीं चल रही, बस एक ट्रक है आगे। पानी भी काफ़ी गहरा है। यहाँ एक ट्रैक्टर गाड़ी पे इतनी बड़ी पानी की वेव छोड़ता है कि पानी गाड़ी के विंडशील्ड से भी ऊपर चला जाता है, पर XUV के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। एक और इंक्लाइन देख लेते हैं। यहाँ पर जो सरफेस है वो थोड़ा स्लश से कवर्ड है, पर गाड़ी बड़े आराम से चढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें इंजन पावरफुल मिल जाता है, जिसकी वजह से
ड्रिफ्ट और डोनट्स करना भी आसान हो जाता है। यहाँ ड्राइवर रिवर्स में ड्रिफ्ट कर लेता है गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव होने की वजह से। इस क्लिप में गाड़ी पानी के बीचों बीच फंस जाती है ट्रैक्शन की कमी की वजह से, पर बढ़िया ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम की मदद से अपने आप को बाहर निकाल लेती है। तो चलिए दोस्तों, बाकी की क्लिप्स आप एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं। XUV की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ देखकर आपको कैसा लगा वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।